सबसे पहले जो आज नातूश्री चौंका में अहमदाबाद हमले में जो बहुत बड़ी ये जनसभा हुई है, इसके लिए मैं सभी जो आज जनसभा में पहुँचे सबका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और भरत सिंह बेनीवाल जी हमारे विधायक जी को उनको बहुत बहुत उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आज की इतने बारिश तूफान में, आपके बारिश तूफान में इस जनसभा की कामयाबी इस बात का प्रतीक है कि अहमदाबाद की जनता ने बदलाव का मन बना लिया है, प्रदेश की जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। बीजेपी और जेजेपी सरकार जा रही है, हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है, और ये इस बात का भी प्रतीक है। भरत सिंह बेनीवाल जी की जो संघर्ष और जो तपस्या वर्षों तक लोगों के बीच में इन्होंने जो अपना एक अपना स्थान बनाया लोगों के दिलों में, आज इतने तूफान में, नहीं तो इतनी बारिश आंधी तूफान में लोग यूँ नहीं आते। मगर आज का जो ये जनसमूह उमड़ के आया है, ये भरत सिंह जी की उस मेहनत का, तपस्या का भी, उस संघर्ष का भी प्रतीक है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये जो आज जो मैं आज जो इतना संघर्ष इस रैली में जो कितनी मेहनत लोगों ने की है, और भरत सिंह जी ने ये जो संघर्ष है, मुझे विश्वास है ये रंग लेके आएगा। सिरसा में 5 जगह गंगा टूटी हुई है, 6 गांव डूब चुके हैं, हजारों एकड़ खराब हो चुके हैं, लोग रो रहे हैं। आज हम तुरंत वहीं जा रहे हैं, अभी बाढ़ देखने जा रहे हैं। ये सिरसा ही नहीं, पूरे प्रदेश में सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ, सरकार ने फ्लड कंट्रोल बोर्ड की जो बैठक हुई थी उसके बाद कितना बजट आवंटित किया गया? 9 साल से ना घग्गर का, ना मारकंडा का, ना यमुना का, कहीं तटों पे उनके जो बैंक्स होते हैं, इन बैंकमेंट का काम होता है, तटों को मजबूत करने का काम सरकार तटबंदी करती है, लेकिन इस सरकार ने 9 साल से इनके तटों को मजबूत करने के लिए एक रोड़ी भी लगाने का काम नहीं किया, ना ही कोई नहरों और ड्रेन्स को, कहीं ड्रेन्स को सफाई का, नालों को सफाई का एक कार्य का काम होता है, ना ही ड्रेन की सफाई। इस साल के भी ड्रेन की सफाई के 70% टेंडर, अभी टेंडर ही हुआ है, काम नहीं हुआ। इसी प्रकार से उत्तर हरियाणा में अवैध खनन, जिस रूप से दादूपुर नलवी नहर इसलिए निकाली गई थी कि इस तरह का कोई अगर कभी हो तो दादूपुर नलवी नहर के अंदर पानी डाइवर्ट किया जाए, तो ये सारा जितना ये प्राकृतिक आपदा है उतना ये सरकार की, हरियाणा के प्रदेश सरकार की विफलता भी है। और मुख्यमंत्री जी, वो तो एक ऐसे मुख्यमंत्री जी हैं जो प्लेन, हवाई जहाज़ और हेलीकॉप्टर से नीचे उतर ही नहीं रहे। हम प्रदेश में एक एक ज़िले में जा रहे हैं, आज भी यहाँ से हम चलेंगे जो है अपना कहते हैं, और हम सभी जो है सभी साथी वहाँ जाएंगे जहाँ घग्गर 3 जगह सिरसा में ब्रीच हुआ है और 4-5 गांव प्रभावित है, हम जाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने एक हफ्ते में दौरा किया, वो भी हवाई दौरा अम्बाला में, तो ये मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये प्रदेश सरकार की विफलता का प्रतीक है। मांग करते हैं हम कि प्रदेश सरकार अभी राहत कार्यों में तेजी लाए, मुआवजा दिया जाए, जहाँ किसानों के खेत खराब हुए हैं, फसलें खराब हुई हैं, वहाँ 40,000 प्रति एकड़ की मुआवजा की मांग है। जिन लोगों की मृत्यु हुई है, क्योंकि हरियाणा में कल तक 20 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी, उन परिवारों को 20-20 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, मांग करते हैं। और मैं ये भी मांग करता हूँ जिन जो गांव पूरे प्रभावित है, पूरे के पूरे गांव, वहाँ कम से कम बिजली के जो बिल है, 3 महीने तक बिजली के बिलों की माफ़ी दी जाए उन गाँवों में, क्योंकि पूरा गाँव जब प्रभावित होता है तो केवल किसान नहीं, लेकिन वहाँ पर मजदूर भी, वहाँ पर कर्मचारी भी, व्यापारी भी, सभी लोग प्रभावित होते हैं। तो 3 महीने तक की बिजली के बिलों में छूट दी जाए, ये भी मैं मांग करना चाहता हूँ। पहले किसान धरना चल रहा था, उसके बाद पहलवान, उसके बाद सरपंच, और अब कलरक धरना दे रहे हैं पूरे हरियाणा में। ये सरकार की सरकार का ये चेयरमैन भी जो है उनकी भी पावर छीन ली गई है, चेयरमैनों की पावर्स और पंचायती संगठनों की, सरपंच और चेयरमैनों की पावर्स के बारे में हम कहना चाहते हैं कि इनकी पावरों को बहाल किया जाएगा। जैसे हमारी सरकार में जितनी पावर, आर्थिक पावर सरपंचों की थी और पंचायत जिला पर, उससे ज़्यादा बढ़ाकर, ये तो हुड्डा सरकार में पहले थी, उससे भी जाकर ज़्यादा बढ़ाकर जब हमारे को अगर मौका मिलेगा, उनकी आर्थिक पावर बढ़ाई जाएगी, क्योंकि पंचायती राज संगठनों को तो पावर्स बढ़ानी चाहिए। राजस्थान जैसे प्रदेश में कहीं ज़्यादा पावर्स हैं, लेकिन यहाँ पर तो हरियाणा ने, तो सरकार ने तो उल्टी दिशा में गाड़ी मोड़ दी। अगर इनको पावर नहीं देनी थी तो चुनाव क्यों कराया सरकार ने? देखिए, जहाँ तक एक दूसरे पे दोष लगाने का काम है, प्रदेश सरकारें, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, एक दूसरे पे, मैं इसमें पूछना चाहता हूँ कि ये
इतनी बड़ी मानवीय ये प्राकृतिक आपदा आई है, इसमें केंद्र सरकार कहाँ है? प्रधानमंत्री जी तो कल रात तक विदेश में थे, पेरिस में थे। पूरा उत्तर भारत फ्लड से प्रभावित है, हजारों लोगों का जीवन व्यापन इस बाढ़ से प्रभावित, लाखों लोग बेघर हो गए। लेकिन प्रधानमंत्री जी, केंद्र सरकार, सारे मुख्यमंत्रियों को बिठा कर, क्योंकि तालमेल, आपस में समन्वय स्थापित करके कैसे बचाया जाए लोगों को, राहत कैसी पहुंचाई जाए, ये वो समय होता है। यहाँ पे तो देश को अपने हालात पे छोड़ दिया, एक दूसरे प्रदेश एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। ये देश को अपने हालात पे छोड़ने की नीति, केंद्र सरकार की जो ये नीति है, ये सही नहीं है। कहीं मणिपुर की बात आए, कहीं पूरे उत्तर भारत में बाढ़ की ग्रस्त की बात आए, केंद्र सरकार तो ऐसा है कि केंद्र सरकार पल्ला एक मिनट में झाड़ लेती है, प्रधानमंत्री जी विदेश चले जाते हैं, ये सही नहीं। और सारे प्रदेश एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, जनता सफ़र कर रही है, जनता त्रस्त है। और आज भी हमने ये संकल्प लिया है, क्योंकि आज बहुत इस कार्यक्रम को, तो कल रात को हमारे पास ये सिरसा में घग्गर कल से जो है ओवरफ्लो करता हुआ है, तो क्योंकि पूर्ण तैयारियाँ हो चुकी थी, तो हमने आज ये यहाँ पर संकल्प किया कि भाई इसको हम पूरी लंबी जनसभा की बजाय अपने कार्यकर्ताओं के साथ, भरत सिंह जी ने, हमने यही संकल्प लिया है कि भाई हम अब जाएंगे जो चार पांच गांव प्रभावित हैं, और भी अगर कोई गांव प्रभावित है, वहां पर लोग क्या सुख दुख पूछेंगे, उनकी मदद करेंगे, और सारे कांग्रेस जन, सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता मदद में लगेंगे। ये समय आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, जैसे मैंने कहा दोषारोपण का भी नहीं, ये समय जिससे जो संभव हो सके बाढ़ग्रस्त, बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद का है। बाकी जिलों में तो और भी ज़्यादा स्थिति गंभीर है, सिरसा में तो कल पानी आया है, बाकी जिलों में तो और भी ज़्यादा स्थिति गंभीर है। एक बार फिर मैं अपनी ओर से भरत सिंह जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, और इलाहाबाद वासियों का धन्यवाद करता हूँ कि नाथू श्री चोपड़ा में आज इतनी ज़्यादा बारिश तूफान में ये ऐतिहासिक जनसमूह जो आज दिखाई दिया, ये ऐतिहासिक जनसमूह प्रदेश में बदलाव का प्रतीक है, इलाहाबाद में बदलाव का प्रतीक है, और ये जनसमूह भरत सिंह बेनीवाल जी के मेहनत, तपस्या और संघर्ष का प्रतीक आज आपने देखा। बीजेपी जेजेपी के नेताओं को लोग घेर रहे हैं, थप्पड़ तक मार दिया गया जेजेपी विधायक को, महिला द्वारा, देखिए कैसा विरोध। जनता का रोष और जनता में आक्रोश मैं समझ सकता हूँ, और हम उस बात को समझते हैं, क्योंकि सरकार ने कुछ किया नहीं, एक नकारा सरकार साबित हो चुकी है, जनता को अपने हवाले छोड़ दिया। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब भी कभी किसी चुने हुए जनप्रतिनिधि पे अगर इस तरह का कोई बात आती है, व्यवहार आता है, तो उसको देख के जो है मन बड़ा दुखी होता है, तो बड़ा जो है बड़ा एक मन में अफसोस होता है कि इस तरह का व्यवहार, तो प्रजातंत्र के अंदर, लोकतंत्र के अंदर, मैं समझता हूँ कि इसको, इस तरह के व्यवहार को तो कोई उचित नहीं ठहरा सकता, तो उस व्यवहार को तो हम जो है उचित नहीं कहेंगे। जनता का रोष है, आक्रोश है, जनता जो है अपने संयम रखते हुए अपनी पूरी बात करें, रोज प्रदर्शन करें, हम अगर इस तरह का जो है व्यवहार की बात आती है वो कहीं ना कहीं उसको देख के, कोई भी हो, ये किसी भी पार्टी के हो, कोई भी जनप्रतिनिधि, वो असली परिवर्तन तो आज देख लिया आपने। इनेलो की परिवर्तन यात्रा के बाद आया हुआ परिवर्तन आज आपने नाथू श्री चोपड़ा में देखा, क्योंकि इनेलो पार्टी के नियत लोग समझ चुके हैं। जेजेपी और इनेलो, ये बीजेपी की बी टीम बन के, मैं पूछना चाहता हूँ, जब राज्यसभा चुनाव की बात आई तो बीजेपी उम्मीदवार के साथ, चाहे वो दुष्यंत चौटाला थे उन्होंने भी वहीं वोट दी, चाहे अभय चौटाला थे उन्होंने भी वहीं वोट दी, चाहे कुलदीप बिश्नोई थे उन्होंने भी वहीं वोट दी, सब एक हो गए। आदमपुर के चुनाव की बारी आई तो बीजेपी भी एक तरफ, बीजेपी उम्मीदवार के साथ जेजेपी भी एक तरफ, इनेलो और आम आदमी पार्टी ने भी ऐसे उम्मीदवार दिए कि भाई बीजेपी को कैसे के उम्मीदवारों कैसे उनकी जीत निश्चित की जा सके। तो जब प्रदेश में सारी बेईमान ताकतें अगर एक होकर लड़ाई लड़ेंगी, तो प्रदेश के लोग ईमानदार लोग हैं, और सारे ईमानदार भी एक होकर प्रदेश में बदलाव के लिए लड़ाई लड़ना जानते हैं। ये मैं उन सभी ताकतों को बताना चाहता हूँ जो एक होकर कहीं ना कहीं बीजेपी को कैसे राहत दी जाए, उनको कैसे बचाया जाए, इस लक्ष्य में जो लोग लगे हैं, और यही नियत इनेलो पार्टी की, ये नियत लोग समझ चुके हैं, लोगों को ये समझ में आ गया है। और मैं कहना चाहता हूँ, दुष्यंत चौटाला ने तो 6 घंटे लगाए बीजेपी को समर्थन देने में, ये तो 6 मिनट, इनेलो के अभय सिंह तो 6 मिनट ना लगाएं,
जैसे इन्होंने राज्यसभा में नहीं लगाया, जैसे इन्होंने बाकी जगह नहीं लगाया, ये तो 6 महीने में बीजेपी को समर्थन देने का काम करेंगे। तो आज प्रदेश के लोग बीजेपी की सरकार को दोबारा से अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से, सीधा या टेढ़े तरीके से बीजेपी को ऑक्सीजन नहीं देना चाहते। ये वो लोग हैं जो सीधा ना टेढ़े रूप से बीजेपी को ऑक्सीजन देना चाहते हैं, ऐसे लोगों को लोग स्वीकार नहीं करेंगे। क्या कांग्रेस की गुटबाजी आगामी इलेक्शन में नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है? कांग्रेस एकजुट है, थोड़ा सा देखते रहते प्लीज सर। कांग्रेस पूर्णतः एकजुट है, कांग्रेस जो है पूरे हरियाणा के अंदर एकजुटता से आगे बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन देखा जा रहा है कि बहुत है।